आरोपी को राजनांदगांव पुलिस ने देसी पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी हत्या के प्रयास और मारपीट के प्रकरण में जेल जा चुका है। आदतन आरोपी को 25 आर्म्स एक्ट के तहत जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया जेल। आरोपी राजनांदगांव शहर के संगम चौक तुलसीपुर थाना कोतवाली का निवासी है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी हर्षित सिंह उर्फ हर्ष सरदार से जो देसी पिस्टल जब्त की गई है, वह पिस्टल उसके दोस्त के द्वारा दी गई है, जिसका 2 साल पहले ही मर्डर हो चुका है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार पिस्टल लेके घूम रहा है, उस संदर्भ में उसकी घेराबंदी की गई। तो ये व्यक्ति हर्षित सिंह है, जो कंडक्टरी का काम करता है। इसके पास से पिस्टल और एक का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संदर्भ में इसके ऊपर कार्रवाई करके 25 आम सेट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुराना रिकॉर्ड भी हाफ मर्डर में भी जा चुका है। इसके पूर्व भी कई लड़े झगड़े के अपराध हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी है और लगातार पुलिस की नज़र में ये था, इसी संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्रवाई की गई है? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो अवैध हथियार या अवैध नशे के सामान, इस पर लगातार जो है वो नज़र रखी जा रही है इसी संदर्भ में।